रात के अंधेरे में तकरीबन 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप में सफेद रंग की स्विफ्ट कार आकर रुकती है। कार में डॉक्टर का लोगो लगा होता है। आधा शीशा खोलकर चालक व कार में सवार लोग पेट्रोल पंप कर्मी से कहते हैं कि टंकी फुल कर दो। टंकी फुल होने के बाद जैसे ही कर्मचारी नोजल रखने मुड़ता है, फिर क्या होता है देखिए इस खबर में। जी हाँ, ये किसी फिल्म या सीरियल का सीन नहीं बल्कि दुर्ग भिलाई के पेट्रोल पंपों में हाल ही में घटी घटनाओं का है। जहाँ रात की अंधेरे में पेट्रोल पंप में सुनसान होने का फायदा उठा ये सरफिरे असामाजिक तत्व फ्यूल फूल करने का है। आधा शीशा गाड़ी का खोलते हैं, फिर शुरू होती है इनकी दबंगई। जब ये जैसे ही कर्मचारी फ्यूल फूल करता है, ये आओ देखते हैं ना ताओ, बिना फ्यूल के पैसे दिए रफू चक्कर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं CCTV कैमरे में कैद ये तस्वीर। सफ़ेद स्विफ्ट कार आकर रुकती है, जिसके नंबर प्लेट में लिखा नंबर भी फर्जी होता है। ये नंबर टू व्हीलर का बताया जा रहा है, जो अपनी गाड़ी में लगा ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और तो और इस कार में डॉक्टर का लोगो भी चस्पा किया हुआ है। यह हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की घटना भिलाई दुर्ग में लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों ने इसकी सूचना थाने में दी या नहीं, पर यहां यह कहना लाजमी है कि ये शरारती दबंगइयों के इरादे ठीक नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में होंगे। तो दर्शकों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खबर चल रही है पेट्रोल पंप में किसी की इस तरह की दबंगई की। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं और ये CCTV फुटेज के जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये आदर्श नगर पेट्रोल पंप का है। यहाँ पर रात को आकर एक स्विफ्ट कार रुकती है। स्विफ्ट कार में डॉक्टर का लोगो अलग लगा हुआ है और जो नंबर चस्पा किया हुआ है वो नंबर एक टू व्हीलर का बताया जा रहा है। कार में सवार दो व्यक्ति कार का आधा शीशा खोलकर कहते हैं डीजल फुल कर दो। और जैसे ही कर्मचारी डीजल फुल करता है और नोजल रखने जैसे पलटता है, ये वहाँ से रफू चक्कर हो पड़ते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे इस विजुअल को, इसमें इनकी दबंगई साफ नज़र आ रही है। यहाँ ये कहना लाजमी होगा कि प्रशासन की नाक के नीचे और जहाँ की गृहग्राम भी गृह मंत्री का है, विधायक अरुण वोरा का निवास भी यहाँ पर है, आदर्श नगर पेट्रोल पंप के नज़दीक ही यहाँ पर आदर्श नगर जो थाना है जिसको तब्दील किया गया, पहले चौकी में था पद्मनापुर और अब उसको थाने पर तब्दील कर दिया गया है गृह मंत्री की पहल पर। बावजूद इसके इस क्षेत्र में इस तरह की दबंगई क्या साबित करती है, ये तो समझ से परे है। खैर, ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों से पेट्रोल पंप संचालक सतर्क रहें और इस तरह की कार अगर आपके आसपास देखी जा सकती है तो तुरंत संपर्क करें।